भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम लोग यहीं पहरा देना और महाराज जी ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये लाश ऐसे ही लटकती रहे और ध्यान रहे इसे कोई उतार ना सके। सेठ जी, जब जिंदगी चली गई है तब किसी चीज को रोकने से क्या फायदा। हाँ, अगर आप लोगों को अपने अत्याचारों का परचम ही फहराना है तो लटकने दीजिए इस लाश को यहां। ये दुनिया आप लोगों की क्रूरता और अत्याचारों के किस्से सुनाएगी। सेठ, सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों पर भी आप अत्याचार करते हैं। चलो भीमा भाई, इन्हें अपनी ताकत एक मरी हुई लड़की की लाश पर दिखा देता हूं। महाराज जी, लोगों में गलत संदेश जा रहा है कि हम हार गए। वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन ये तो सच है ना कि उस भीमराव ने उस लड़की को देवदासी बनने से बचा लिया। और महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी हाल में सतारा छोड़ के नहीं जाने वाले। अब तो लोग दबी जुबान में ये भी कहने लगे हैं कि महाराज जी के होते हुए वो भीमराव जीत गया। मतलब तो यही हुआ ना कि वो भीमराव महाराज से बड़ा हो गया। चुप, शांत हो जा। वो छोटी जाति का तुच्छ बालक भीम, मुझ जैसे ज्ञानी, तपस्वी और धर्म के प्रणेता के आगे निकल जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोगों में संदेश तो यही जा रहा है ना। और महाराज जी, ये रामजी सकपाल और भीमराव दोनों ही बहुत धूर्त हैं। ये दोनों अपनी इस जीत को लोगों के सामने इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि लोगों के दिलों में हताशा पैदा हो जाएगी। बेला दीदी कौन दीदी के मौत की कीमत पर बचाना हम लोगों के लिए जीत नहीं हो सकती है। हमारी असली जीत तो तब होगी जब हम अपने क्षमता के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, कोई इस प्रथा के खिलाफ खड़े रहे और वो इन पाखंडी लोगों से लड़े। लेकिन ये होगा कैसे भीम? जब बेला के बाल उलझे थे तभी अगर हम सचेत होते तो दूसरी बार बेला के बालों में बरगद का दूध डालने की उनकी कोशिश नाकामयाब होती। खैर, अब हमें लोगों को बताना होगा कि वो अपनी बच्चियों को लेकर जागरूक रहें और इस तरह के लोगों से सतर्क रहें। हाँ, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि इस तरीके से वो देवदासी बनाते हैं तो उसे रात में दीदी के बाल किसी तरह से सुलझा देता। गुरुजी, आपको क्या लगता है किससे? राम जी, ये सब कुछ एक दिन में नहीं बदलने वाला है।
अगर हम कुछ हद तक इस पे अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं तो ये भी हमारी उपलब्धि होगी। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपना पूरा जीवन देवदासियों की कुप्रथा के खिलाफ ही लड़ते लड़ते बिताऊंगी। मुझे एक बात बताइए, उस भीमराव और राम जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? महाराज, उसका परिवार। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज की एकता से ज्यादा एकता उसके परिवार में है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? महाराज जी, उस भीमराव के लिए शिक्षा और उस राम जी सतपाल के लिए भीमराव। तो फिर उसकी ताकत को तोड़ो और उसकी कमजोरी पर चोट करो, क्योंकि ये परिवार प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही रहा तो अंबेडकर, कुलकर्णी जैसे हजारों खड़े हो जाएंगे और जब अपनों के बीच ही विरोध छिड़ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सब लोग साथ रहेंगे तो और लड़ाई जीत जाएंगे। और बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ाई करता रहूंगा तो और लड़ाई जीतने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो मिलता रहेगा। सही कहते हैं तुम्हारे बाबा भीमराव, तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी है और मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने भी नहीं दूंगा। अब मैं भी पढ़ाई करूंगी। अब जब मैंने ठान लिया है कि मुझे देवदासियों जैसी कुरीति और कुप्रथा के खिलाफ लड़ना है तो मुझे अपने आप को और सक्षम बनाना होगा। और आप सबकी बातों से तो यही लगता है कि सक्षम बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, आप जरूर पढ़ो। चलो घर चलते। मेरी पेला को मुझे लौटा दीजिए। मैं जिस पेला को जानती हूँ वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। अरे ये जो पेला है आपके साथ ये जीवन भर संघर्ष करना चाह रही है। लड़कियां कहाँ संघर्ष करती है, मैं नहीं चाहती कि वो संघर्ष करे। उस पे भूत सवार हो गया है, पढ़ना है, मजबूत होना है। है तो लड़की जातना, थोड़े दिनों में ब्याह शादी करके घर बसा लेती, जीवन सफल हो जाता। सही कह रही है आप, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो यही सब कहती। लेकिन मैं आपकी जगह हूं नहीं। राम जी सतपाल की बीवी और भीम की आई होने का मतलब आप नहीं समझेंगे शायद, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। प्यार करना, किसी की चिंता करना, ये एक अलग बात है, वो ठीक ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जिससे आप प्यार करते हो अगर वो संघर्ष का रास्ता चुने तो उसका साथ देना। विनती करती हूँ आपसे, बेला का साथ दीजिए, भरोसा रखिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि बेला के मन में अपनों के लिए जो नफरत भरी पड़ी है ना वो प्यार में बदल जाएगी। उसका साथ दीजिए। चलती हूँ।
भीम बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। चल। तुम इस तरह से क्यों भागे? बाबा मुझे हर जगह वही दीदी दिख रही है, उनका सवाल दिख रहे हैं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बाबा, बहुत। लेकिन बीवा इस बेचैनी को झेलना तुम्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन बाबा जो सवाल उस दीदी ने पूछा उनके जवाबों का क्या? उसके जवाब नहीं है, और है तो कौन देगा उनके जवाब? कौन जवाब देगा बेटा? और किसे पड़ी है उनके सवालों को लेकर सोचने की? वही लोग जिन लोगों ने उन्हें दासी बनाया, जिन्होंने उनकी जिंदगी छीन ली। भीम बेटा जिन लोगों के लिए उसकी जिंदगी मायने नहीं रखती, तुम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि वो लोग इन सवालों का जवाब देंगे? उनका जवाब कोई नहीं देगा। बेटा ऐसे कई सवाल हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं और इन्हें वक्त संभाल के रखता है, क्योंकि वर्षों तक ऐसे कई सवाल मिलकर भविष्य की आवाज बनते हैं, उनके जवाब भी मिलते हैं, लेकिन वक्त लगता है अपने हिसाब से। क्योंकि बेटा जिन लोगों से जवाब पूछा जा रहा है उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और उनकी ताकत के सामने ये सवाल कुछ दबा कुचला और खामोश सा है। इसलिए तुम परेशान मत होना, तुम्हारी आई ठीक गई थी, बेचैनी को संभालना तुम्हें सीखना होगा। फिलहाल इस बात की तसल्ली रखते हैं कि बेला हमारे साथ है, हमारे बीच है, और उन लोगों से बचाने में हम सफल हो गए, कामयाब हो गए, है ना?
तुम बेटा क्या कर रहे हो? बाबा आपने कहा ना कि फिलहाल ये सवाल खामोश है। तो चलो इसे एक आवाज देते। साहिब मेरे भीमराव, मतलब साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। ठीक है, भीम जैसा चाहता है वैसा करने में हम इसकी मदद करेंगे। इससे भी कुछ नहीं होगा। वैसे तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है भीमा भाई, कुछ करके देखते हैं। ले लो आनंद भैया। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद्र ही तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। भीमराव, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं, जवाब चाहिए। महाराज जी से जाकर कहिए कि इनका जवाब दे, क्योंकि जवाब दिए हुए बिना अब ये मामला शांत नहीं होगा और मैं शांत होने भी नहीं दूंगा। अच्छा, जवाब चाहिए? तो तू अकेले क्या कर लेगा? अकेले नहीं, सवाल पूछता हुआ ये कई जगह पर लगाया गया है। आपको क्या लगा केक को मारकर अब उनके सवालों को दबा देंगे? तो जाइए देखिए, मैं उनके जैसे कई तैयार हो गए हैं आप लोगों से सवाल पूछने के लिए। ची 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 ची। लेकिन एक बात तो है ना भाऊ, कि मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता, और उस देवदासी ने अगर लिखा है कि ईश्वर का उसको अनुभव ही नहीं, तो फिर भगवान को समर्पित का मतलब क्या? बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन महाराज ऐसे ही थोड़ी किसी को दासी बना देंगे। महाराज की बेइज्जती के लिए किया गया ये सब कुछ। अरे बेइज्जती क्या, महाराज से जवाब तो मांगना ही चाहिए। अभी तक महाराज के पास खबर पहुंच गई होगी कि सतारा की हर गली में दीदी के सवाल बिखरे हैं, जिनके जवाब महाराज को देने। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के सवालों के जवाब में महाराज ये सब कुछ सच बता देंगे?